चलो हाँ, अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ना चालू करते हैं। उससे पहले जो जो पढ़ा उसके बाद में बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, इधर देखो सब लोग। हमने अभी तक कैपिटल गेन चालू किया था, और कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन थी सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, ये चार्जिंग सेक्शन थी। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन बताई सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल असेट का डेफिनेशन, 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर का डेफिनेशन, और उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट के टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट के कैपिटल असेट कितने टाइप्स की रहती है। तो देखो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इधर देखो। लुधियाना वाले बोल रहे हैं कि सर केस लॉ याद करना है, केस लॉ आपके एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल है वो ही याद करने हैं, बाकी केस लॉस के नाम आपको याद नहीं करने। आईसीआई लिस्ट देती है कि ये आपके एग्जाम के लिए है, तो जैसे ही आपके एग्जाम के लिए केस लॉ की लिस्ट आएगी आपको उसका बुकलेट मिल जाएगा और उसके साथ में आपको उसका लेक्चर भी मिल जाएगा। अभी जो पढ़ रहे हो सेक्शन याद रखो, कंसेप्ट याद रखो करके, ठीक है। चलो तो इसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब लोग साथ साथ में रिवाइज करोगे। इधर देखो, सबसे पहले सेक्शन 45(1) कौन सी थी, चार्जिंग सेक्शन। बोलो चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती थी, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। सर कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, एंड एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द एफआईआई, वो हमेशा कैपिटल असेट होगी। लेकिन उसमें चार एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल असेट, एक्सेप्ट ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपोजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। उसके बाद में सर ट्रांसफर का डेफिनेशन, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, इधर देखो। ट्रांसफर की डेफिनेशन में सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रेलिंक्विशमेंट आएगा, एक्सटिंग्विशमेंट आएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, एंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ पोजीशन इज हैंडेड ओवर इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी इफ शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफर एंड ड्यू टू दैट इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर हो जाता है तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, उसमें भी कैपिटल गेन है वो लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सर टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, उसमें तीन पार्ट, ऐसे याद रखो। सबसे पहले लिस्टेड सिक्योरिटी, लाइक सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को छोड़ के 242A में बोला हुआ है। दूसरा यूटीआई का यूनिट्स, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, उनके केस में 1 ईयर। जो भी तुम्हारे शेयर्स है अदर देन कवर्ड इन फर्स्ट पार्ट, यू कैन से दैट अनलिस्टेड शेयर या आउटसाइड इंडिया लिस्टेड शेयर, शेयर्स ऑफ द कंपनी, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके केस में 2 ईयर्स, और अदर असेट के केस में आपको 3 ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सेक्शन 48, और सब लोग देखना बेटा सेक्शन 48, आप बुक पे देखना। सेक्शन 48 बोलती है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो कैपिटल गेन को कंप्यूट वैसे ही करेंगे जैसे हम सीए इंटरमीडिएट और आईपीसीसी में करते थे। कैसे, सबसे पहले हम लेते थे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है सेल कंसिडरेशन। जो भी सेल कंसिडरेशन है, सेल प्राइस है, वो ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा, इसमें से हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लेस कर देंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। और ये नेट कंसिडरेशन में से दो चीजें लेस होगी, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस होगा, आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल गेन अमाउंट। तो देखो मैंने बोला कि आपको कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करने का, ये सेक्शन 48 में दे रखा है। सेक्शन 48 है वो बताती है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो टेक द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना आप लोग, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मैंने ये घर खरीदा था, और ये घर खरीदा था जिसका कॉस्ट था मान लो 5 लाख रुपया, 5 लाख वॉज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद इस पे एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करवा दिया, और उसका जो है इंप्रूवमेंट करवाया, उसका जो खर्चा लगा था वो 2 लाख लगा था। और इस साल मैंने क्या किया, इस पूरे घर को सेल कर दिया, और सेलिंग प्राइस दे रखा है मान लो 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज है वो सेलिंग प्राइस है।
मैंने इस पे कुछ कमीशन ब्रोकरेज भी पे किया, तो मैंने इस पे ब्रोकरेज पे किया है वो मान लो 50,000 का ब्रोकरेज पे किया है, मैंने ब्रोकर के थ्रू सेल किया और 50,000 का ब्रोकरेज पे किया है। तो क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो इस एग्जाम्पल में, अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, ग्रॉस कंसिडरेशन। इफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, उससे पहले जो कंसिडरेशन है दैट इज कॉल्ड योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन दिस एग्जाम्पल आई ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर द 12 लाख, सो 12 लाख विल बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक बात समझना, ट्रांसफर एक्सपेंसेस आप लेस कर दो और एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू द ट्रांसफर, ऐसे खर्चे जो ट्रांसफर के लिए जरूरी थे या ट्रांसफर के कनेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो आप लेस कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ब्रोकरेज है, कमीशन है, अगर ब्रोकरेज कमीशन सेल के टाइम पे आपने पे किया है तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, और इस एग्जांपल में अपना 0.5 लाख 50,000 है वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, 11.5 लाख नेट कंसिडरेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप लेस करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, तो जो असेट को आपने एक्वायर किया था उसके लिए जितना आपने कॉस्ट इंकर किया था दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब असेट आपने एक्वायर किया उसके लिए जितना आपने कॉस्ट इंकर किया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे इस एग्जांपल में एक बात समझना, मैंने घर एक्वायर किया था 5 लाख में, तो 5 लाख विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक और चीज समझना, एक्विजिशन के टाइम पे जो भी आप खर्चे करते हो वो तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जैसे मान लो मैंने घर एक्वायर किया 5 लाख में, उस टाइम मैंने 40,000 है वो मान लो ब्रोकरेज पे किया था, या मैंने स्टैंप ड्यूटी पे की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो सब मेरे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक्विजिशन के टाइम पे जितने भी आप खर्चे करते हो वो भी तुम्हारे कॉस्ट का पार्ट है, वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इंप्रूवमेंट क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स किसी भी कैपिटल असेट पे अगर आप कैपिटल खर्चा करते हो इंप्रूवमेंट के लिए दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दैट असेट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपने अपने घर का कलर करवाया, सिर्फ अपने घर का कलर करवाया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आंसर इज नो, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये एक साल में खराब हो जाएगा। हर साल करवाते हो आप, कलर है, थोड़ा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, वो सब इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा। लेकिन आपने पूरे घर को तोड़ के और नया घर बना दिया, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। या आपने एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सो एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, तो यहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो 2 लाख है, तो 2 लाख कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा और मुझे कैपिटल गेन मिल जाएगा, तो 7 लाख आप अगर लेस करोगे तो 4.5 लाख है, ये कैपिटल गेन हो गया। तो देखो सिंपल सी बात, कैपिटल गेन कैसे निकालने का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, सेक्शन 48 का एक सेकेंड प्रोवाइजो होता है। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, आज ही मैंने बताया था, सेकेंड प्रोवाइजो है वो, सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शंस। जब भी एक्सेप्शंस क्रिएट करना है किसी सेक्शन में तो दे ऑलवेज इंसर्ट द प्रोवाइजो, तो वहां एक सेकेंड प्रोवाइजो इन्होंने इंसर्ट किया है। और सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है कि अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, देखो नॉर्मल केस में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नॉर्मल। लेकिन सेकेंड प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, तो आपको क्या करना है पता है, कि जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, इन दोनों को आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है एट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। तो देखो सेकेंड प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी इंडेक्स करना है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको भी आपको इंडेक्स करना है, दोनों को आपको इंडेक्स करके लेना है। आप बोलोगे ये इंडेक्स क्या बला है,
ये क्या बला है सर, इंडेक्स है, ये क्या बला बला है? तो मैं बताओ इंडेक्स क्या होता है, इधर एक चीज समझना आप लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस ईयर 1-2 में एक्वायर की थी जिसका कॉस्ट था 5 लाख, और आज इस प्रॉपर्टी को मैं सेल कर देता हूं मान लो 70 लाख में। प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख में एक्वायर की थी 1-2 में, और आज मैंने उसको 70 लाख में ट्रांसफर कर दिया, 70 लाख में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख और मेरा कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख और 65 लाख है, ये 70 लाख में आपने प्रीवियस ईयर 1920 में ट्रांसफर किया फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं बोलूं कि मेरा 65 लाख का कैपिटल गेन हुआ, ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गेन देखने के लिए आपको दोनों सिमिलर लेवल पे लाना पड़ेगा। ये जो 5 लाख आपने कॉस्ट इंकर किया है ये कब किया है, 1-2 में किया है, 1-2 में आपने 5 लाख का कॉस्ट इंकर किया था, और आज आप 1920 में अगर 70 लाख में बेचते हो और बोलते हो 65 लाख का गेन है, ये तो गलत है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से भाई उस टाइम पे 5 लाख की क्या वैल्यू रही होगी, उस टाइम पे 5 लाख की क्या वैल्यू रही होगी, वो आप ऐसे आज के 70 लाख से कैसे बोल सकते हो कि 70 - 5 65 का गेन, आंसर इज नो। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है इंडेक्सेशन का, और अपना जो सीबीडीटी है एंड आरबीआई, ये लोग मिलके हर साल क्या करते हैं, एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो इश्यू करते हैं। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, तो इन्होंने एक बेस ईयर ले लिया, और बेस ईयर लिया प्रीवियस ईयर 1-2 को इन्होंने एक बेस ईयर ले लिया, और 1-2 का इंडेक्स नंबर है 100, और उसके बाद में ये इंडेक्स नंबर है ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और प्रीवियस ईयर 1819 जो है, प्रीवियस ईयर 1819 प्रीवियस ईयर के लिए ये इंडेक्स नंबर 280 है, प्रीवियस ईयर 1920 जो आपके एग्जाम के लिए है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920, यू कैन से दैट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, जो 1920 है उसका इंडेक्स नंबर जिस दिन मैं ये लेक्चर ले रहा हूं उस दिन तक अभी तक अप्रूव नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतना डिले हो गया है आपको इंडेक्स नंबर देने में। इस साल का इंडेक्स नंबर फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर योर एग्जामिनेशन ऑब्वियसली 1920 इज एप्लीकेबल, बट टिल दैट डेट, आज की डेट तक हो सकता है कल परसों वो दे दे, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2-3 दिन में वो इंडेक्स नंबर दे देंगे 1920 का, बट अभी तक 1920 का इंडेक्स नंबर है वो इशू नहीं किया है। हर बार क्या होता है जून में इशू हो जाता है, लाइक मई जून में इशू हो जाता है, बट इस बार इतना टाइम हो गया है अभी तक उन्होंने इंडेक्स नंबर है वो 1920 के लिए इशू नहीं किया है, हो सकता है आज कल 2 दिन में ये इशू कर दे करके, ठीक है, जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा कि इंडेक्स नंबर इस साल के लिए ये है। फॉर एन एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन में ये इंडेक्स नंबर 290 ले लेते हैं, ठीक है, कि 290 1920 का है। तो ये इंडेक्स नंबर क्या बया करता है, क्या बात करता है, ये बोलता है कि 1-2 में जो 100 था और 1819 में 280 है या 1920 में 290 है, इसका क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन यह है कि जो 1-2 में किसी चीज की वैल्यू 100 रुपया थी, मतलब 100 रुपया पे करना पड़ता था, आज उसी के लिए आपको 280 रुपीज 1890 में या 1920 में 290 रुपीज पे करना पड़ेगा। मींस बोथ आर सिमिलर, उस दिन का 100 रुपया और आज का 290 रुपीज है, बोथ आर सिमिलर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब उस दिन का 100 रुपया और आज का 280 रुपीज 1819 में या 1920 में 290 रुपीज है, वो दोनों सेम लेवल पे है। तो आपको जो यहां पे ये कॉस्ट आपकी जो 5 लाख है, इस 5 लाख की कॉस्ट आप सीधा 5 लाख नहीं लोगे, आपको इसको इंडेक्स करके और आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। सर ये इंडेक्स कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहली चीज, ऑल पीपल, सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर के ईयर के इंडेक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन,
मतलब जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस ईयर के इंडेक्स से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब एक चीज समझना आप लोग, तो जैसे अपने एग्जाम्पल में ये घर मैंने 1-2 में खरीदा था 5 लाख में, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो उस ईयर का इंडेक्स क्या है। तो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं 1920 में और 1920 का मैंने इंडेक्स नंबर 290 ले लिया करके, ठीक है, क्या होप सो 290 आने वाला है फॉर एन एग्जांपल। तो 290 है ये 1920 का इंडेक्स और डिवाइड बाय आपका 100 है वो 1-2 का इंडेक्स, तो ऐसा करके और आपका कितना आएगा यहां पे कॉस्ट 14,50,000 आई थिंक 14,50,000 है ये आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। तो यहां 5 लाख की जगह आप पुट करोगे 14,50,000 और 14,50,000 सो 70 - 14.5 इट्स कम्स टू द 55.5 ये आपका बन जाएगा कैपिटल गेन। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। देखो तो मैंने पहले तो क्या बोला कि नॉर्मल लॉ ये बोलता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट सेकंड प्रोविजो जाके ये बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों को इंडेक्स करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों को आपको क्या करना है, इंडेक्स। अब एक चीज समझना, जैसे मान लो ये घर है, इस घर के ऊपर मैंने यहां एक फर्दर कंस्ट्रक्शन और करवाया था, इस घर के ऊपर मैंने मान लो 6-7 में एक 2 लाख रुपए का फर्दर कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो सर इट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट कितने का करवाया, 2 लाख का, 6-7 में करवाया। इंप्रूवमेंट कितने का करवाया, 2 लाख का, 6-7 में। अब एक चीज समझना आप लोग, तो 6-7 में 2 लाख का इंप्रूवमेंट करवाया तो इसका इंडेक्स कैसे करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है। तो आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, निकालोगे, पहले आप ले लो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो और आप मल्टीप्लाई करो दैट इज इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो उस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस ईयर में आपने इंप्रूवमेंट करवाया था उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दो। तो देखो मैंने यहां पे इंप्रूवमेंट 2 लाख करवाया था 6-7 में, तो 2 लाख करवाया था 6-7 में, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरा आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का इंडेक्स का ईयर 1920 का, और डिवाइड बाय इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करवाया था 6-7 में और 6-7 का अगर मैं इंडेक्स नंबर देखता हूं तो 6-7 का इंडेक्स नंबर है 122, 6-7 का, तो मेरा कितना आ जाएगा कॉस्ट, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 290 डिवाइड बाय 122, इट्स 475 410 ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर तुम्हारी कैपिटल असेट है वो अगर लॉन्ग टर्म है, कैपिटल असेट इज लॉन्ग टर्म, सो यू हैव टू डू द इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और इंप्रूवमेंट को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन एक बात बताओ सर, ये इंडेक्स नंबर आपने जो बोला ये तो 1-2 से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स नंबर है ये 1-2 से स्टार्ट हुआ, उसका जो बेस ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर उन्होंने 1-2 लिया है, 1-2 है उसका 100 है, उसके बाद 105, ऐसा करते करते ये बढ़ गया। लेकिन कोई असेट 1-2 से पहले एक्वायर की हुई है तो उसके लिए क्या करेंगे फिर सर? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ एनी असेट एक्वायर बिफोर 1-2 से पहले एक्वायर की हुई है, तो 1-2 से पहले एक्वायर की हुई है तो उसका क्या करेंगे? तो ऑल पीपल इधर देखना, इफ असेट एक्वायर्ड बिफोर 1-4-2001 1-2 वाला फर्स्ट डेट दैट इज 1-4-2001 इससे पहले एक्वायर कोई असेट की हुई है तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है पता है? आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है उसका जितना कॉस्ट लगा था वो,
या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर है, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और फिर आप इंडेक्स 1-2 से करोगे। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई असेट 1-4-2001 से पहले एक्वायर की हुई है, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो 1-2 से आया है सर, तो 1-2 से इंडेक्स नंबर आया, उसके पहले असेट एक्वायर की है, तो उसका क्या करेंगे? तो ये लोग बोलते हैं आप एक काम करो, उस असेट के लिए कॉस्ट ले लो 1-4-2001 का एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर उसका जो कॉस्ट लगा था, विच एवर इज हायर है, वो आप कॉस्ट बना दो और फिर आप इंडेक्स कर लो। आई कैन टेक वन एग्जांपल। इधर देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक घर है, और ये जो घर है ये मैंने प्रीवियस ईयर 82-83 में खरीदा था, और उसका कॉस्ट था 3 लाख रुपीज। ठीक है, 82-83 में खरीदा था, कॉस्ट था 3 लाख। अब चीजों को समझना, मैंने क्या किया, इसको इस साल बेच दिया, प्रीवियस ईयर 1920 में मैंने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस है वो मान लो 42 लाख है। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 42 लाख लेंगे, कॉस्ट क्या ले? तो देखो, ये असेट आपने 1-4-2001 से पहले एक्वायर की हुई है, तो लॉ बोलता है इसका कॉस्ट क्या आएगा, तो जो इसका कॉस्ट रहा है दैट इज 3 लाख, या फिर एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 विच एवर इज हायर। अब एक चीज समझना, इसका मान लो एफएमवी दे रखा है, दैट इज एफएमवी इसका जो दे रखा है दैट इज सपोज 5,50,000, एफएमवी 1-4-2001 का 5,50,000 दे रखा है, तो आप कॉस्ट क्या लोगे, 3 लाख और 5,50,000, विच एवर इज हायर, सो हायर कम्स टू द 5,50,000, और फिर 550 पे आप इंडेक्स करोगे, मल्टीप्लाई बाय 290 और डिवाइड बाय 100, और ऐसा करके आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल दोगे। तो देखो मैंने क्या बोला, इफ एनी असेट एक्वायर्ड बिफोर 1-4-2001 से पहले वाला असेट है, तो उसके लिए आप क्या ले लो, एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। लेकिन एक बात बताओ, अगर हो सकता है एफएमवी कम हुई हो, तो जैसे मान लो एफएमवी यहां तो 550 थी, यहां एफएमवी 250 ही रही, तो फिर क्या करोगे, फिर कॉस्ट क्या लोगे, 3 लाख लोगे। अगर एफएमवी 250 है, कॉस्ट 3 लाख है, तो आप कितना लोगे, फिर 3 लाख लोगे, और 3 लाख पे फिर आप इंडेक्सेशन करोगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 290 और डिवाइड बाय 100 है, ऐसे आप इंडेक्स कर दोगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात बताओ मुझे सर, हमने इंटरमीडिएट में जब पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में हमको बताया था ये 1-2 की जगह 81-82 था, याद आया आपको, 81-82 था बेस ईयर, था वो 81-82 था। अब उसको बेस ईयर को उन्होंने धनबाद, अभी मैं आ रहा हूं, ये जो बेस ईयर था 81-82, उस बेस ईयर को हटा के और उन्होंने बेस ईयर 1-2 कर दिया। इसके पीछे क्या रीजन था सर, क्या रीजन था, ऐसा क्या रीजन था कि बेस ईयर को चेंज करना पड़ा? पहले 81-82 था और वो 81-82 चला आ रहा था, आपने इंटरमीडिएट आईपीसीसी में पढ़े थे तब बेस ईयर 81-82 था, बट नाउ बेस ईयर इज 1-2, सो व्हाई दे चेंज द बेस ईयर, इसके पीछे रीजन क्या था, क्या रीजन था, कोई बताएगा व्हाई दे चेंज द बेस ईयर? ये लास्ट टू लास्ट ईयर चेंज किया है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत सारे लोग बोलते पुराना हो गया था, पुणे वाले बोलते एफएमवी अवेलेबल नहीं होता 81-82 का, एफएमवी है वो 81-82 का अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए दरभंगा वाले बोलते इंडेक्स का बेनिफिट बहुत मिलता था, ये कौन सा लॉजिक हुआ मेरे भाई, ये तुम्हारा कौन सा लॉजिक हुआ, इंडेक्सेशन का बेनिफिट बहुत मिलता था, उससे क्या फर्क पड़ेगा?
भाई वही वाली बात थी, अगर 1-2 का था तो 1-2 में या 2-3 में वहां 400 था और ऐसे 800 हो गया था, उससे क्या। रोहतक, मैं आपको इग्नोर क्यों करूंगा, तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो जो इग्नोर करूंगा, वो बहुत पुराना हो गया था। अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो इसके पीछे, चेंज करने के पीछे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला कि लाइक इसके लिए चेंज किया क्योंकि वो 81-82 में अपने को एफएमवी निकालना पड़ता था, वो फेयर मार्केट वैल्यू 1481 का निकालना पड़ता था। अगर उससे पहले का प्रॉपर्टी है तो एफएमवी 81 का निकालना पड़ता था, 1481 का, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल चीज थी। मतलब इंपॉसिबल क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। क्या सर एफएमवी 1481 का कैसे निकाले, बहुत पुरानी, उसका एफएमवी उस टाइम क्या रहा होगा, वो कैसे डिटरमाइन करे, ये एक बड़ी ही दिक्कत वाली बात थी। ये बड़ी ही दिक्कत वाली बात थी कि उसको कैसे एफएमवी 1481 का निकाले। इसके लिए उन्होंने उसको चेंज करके और 1-2 किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर यहां बोला है एफएमवी एज ऑन 1-4-2001, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर ये एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 कैसे फाइंड आउट करते होंगे, किसी भी असेट का, किसी भी असेट का एफएमवी एज ऑन 1-4-2001 कैसे फाइंड आउट करते होंगे, कोई बता सकता है। जैसे देखो गोल्ड वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं आती, जो गोल्ड है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती, ज्वेलरी गोल्ड, क्योंकि आपके पास रेडी रेकनर रेट रहती है और रेडी रेकनर रेट में आपके ऑफिस में भी एक रेकनर रहता होगा, उसमें बताया होगा कि गोल्ड का उस डेट को क्या क्या वैल्यू था। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर आप एफएमवी कैसे निकालोगे। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है 85 में खरीदी हुई है, आज आप उसको 2 करोड़ में बेचना चाहते हो, और आपने खरीदी थी वो 5 लाख में खरीदी थी, आपने 5 लाख में खरीदी थी और आज आप उसको 2 करोड़ में बेचना चाहते हो, ऐसा आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि 2 करोड़ में बेच रहे हो, 5 लाख में खरीदी थी 83-84 के आसपास, कैपिटल गेन कितना आएगा, आपसे पूछा, आप बताओगे, कैसे बताओगे, आप क्या बोलोगे पापा को, पापा को ये बोलोगे पापा पहले है ना आप एफएमवी 1-4-2001 का ले आओ और फिर मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा, आप सीए बन गए हो, सीए फाइनल में हो, सो हाउ यू विल फाइंड आउट एफएमवी एज ऑन 1-4-2001। बटिंडा वाले बोलते हैं वैल्यूअर के पास जाएंगे, वेरी गुड। तो तुम क्या करोगे फिर, तुम सीए बनने के बाद वैल्यूअर के पास जाओगे तो फिर क्या करोगे, पटियाला वाले बोलते हैं हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाएंगे, गोरखपुर बोलते हैं उस टाइम का सर्कल रेट लेंगे। देखो मेनी टाइम सर्कल रेट बहुत सारे स्टेट्स में उस टाइम अवेलेबल नहीं था, सर्कल रेट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था बहुत सारी जगह पे। हम रजिस्ट्रार से ही पूछ लेंगे कि तू ही बता दे भाई एफएमवी कितना है। रजिस्ट्रार से क्यों पूछेंगे, रजिस्ट्रार तो आज की वैल्यू बताएगा, जो रजिस्ट्रार है वो तो आज की वैल्यू बताएगा कि आज आपको इतना स्टैम्प ड्यूटी भरना है बायर को। हैदराबाद वाले बोलते हैं रूल 11 यूए फॉलो करेंगे। अच्छा, उस टाइम के लिए आप रूल 11 यूए फॉलो करोगे, वाओ ग्रेट भाई। 11 यूए क्या बोलता है, म्युनिसिपल वैल्यू से रिलेटेड प्रॉपर्टी लेंगे। नॉर्मली क्या होता है इन द प्रैक्टिकल लाइफ, देखो प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत बार अपन अजम्पशन बेस पे जाते हैं, क्या अजम्पशन लेके और रिटर्न फाइल कर देते हैं। आप क्या करते हो, अपने क्लाइंट का एक अजम्पशन लेते हो कि 1-4-2001 को इतना एफएमवी रहा होगा और अजम्पशन लेके आप रिटर्न फाइल कर देते हो। बट अगर आप अच्छे लेवल पे काम करते हो, अच्छी फर्म में काम करते हो, तो उस केस में आप एफएमवी फाइंड आउट करते हो, अपने लिए एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हो कि एफएमवी क्या है। तो अगर उस टाइम पे कुछ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह उस एरिया में था, कुछ सर्कल रेट थी, तो वो सर्कल रेट ले लोगे। अदरवाइज आप एक काम करोगे कि आप रजिस्ट्रार के पास जाके और उस टाइम के आसपास में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी तो वो कितने में ट्रांसफर हुई थी। जैसे 1-4-2001 की डेट है तो उस टाइम पे उस एरिया में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी वो प्रॉपर्टी कौन सी रेट पे, कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर हुई थी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वहां पे वैल्यू जो थी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उस टाइम कौन सी वैल्यू पे हुई थी, तो वो वैल्यू आप ऑप्ट कर दोगे और वो तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी 1-4-2001 की। जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर है वो कांदिवली एरिया में है, मुंबई कांदिवली एरिया में मेरा घर है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 14201 के आसपास, और ये फ्री में मिलता है, उसका कुछ चार्ज होता है और आपको मिल जाते हैं उस टाइम के अग्रीमेंट, आपको चाहिए तो मिल जाते हैं। और आजकल तो मैं बताऊं ऑनलाइन बहुत सारे अग्रीमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑनलाइन डाल दिए, जितनी भी प्रॉपर्टी के पेपर है वो ऑनलाइन आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो आप देखो कि उस एरिया में उसके नियर बाय डेट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो हुई थी वो कौन सी रेट पे हुई थी, तो वही रेट आपका फेयर मार्केट वैल्यू है वो बन जाता है इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसको लेके वो एफएमबी बन जाएगी। अब चलो एक और डाउट आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन मेरा आपके लिए। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि इंप्रूवमेंट जो है, इंप्रूवमेंट बिफोर 14201 वाला, उसको आपको इग्नोर करना है, मतलब उसको इग्नोर करना है, उसको कंसीडर नहीं करना। इंप्रूवमेंट 14201 से पहले जो जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसको इग्नोर कर दो, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, ऐसा क्यों, व्हाई दे आर सेइंग दैट इंप्रूवमेंट बिफोर 14201 को इग्नोर कर दो, ऐसा क्यों, क्यों इग्नोर करवाते हैं? इंप्रूवमेंट बिफोर 14201 को बोलते इग्नोर कर दो, ऐसा क्यों, क्यों इग्नोर करवाते? वेरी गुड, बहुत सही, सब लोगों ने सही बोला। इसके लिए इग्नोर करवाते, देखो इंटरमीडिएट वाले बच्चों को जब ऐसा पूछते हैं ना कि इग्नोर क्यों करवाते, तो वो बोलते हैं ना इंप्रूवमेंट 14201 से पहले वाला है तो वो तो टूट गया होगा, वो तो खराब हो गया होगा, वो तो गिर गया होगा, इसके लिए इग्नोर करवाते। ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, जब आपको एफएमवी का ये बेनिफिट दे रहे हैं, एफएमवी एज ऑन 14201 का बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस एफएमवी में इंप्रूवमेंट ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा ना भाई। जब आप एफएमवी ले रहे हो तो उस एफएमवी में उस इंप्रूवमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। तो आई कैन से दैट कि सपोज यहां पे 86-87 में इंप्रूवमेंट करवाया, प्रीवियस ईयर 86-87 में इंप्रूवमेंट करवाया, तो ये जो इंप्रूवमेंट मान लो 100,000 का करवाया है, तो ये जब आप एफएमवी देख रहे होंगे इस प्रॉपर्टी का, तो एफएमवी तो आप पूरी प्रॉपर्टी का देख रहे होंगे, जो एफएमवी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे वो एफएमवी तो आप पूरी प्रॉपर्टी का कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उस इंप्रूवमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी एफएमवी में आ चुका है, इसके लिए 14201 से पहले का इंप्रूवमेंट है तो उसको आप इग्नोर कर दो, 14201 के पहले का इंप्रूवमेंट को आप इग्नोर कर दो। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताओ मुझे सर, यहां पर इंप्रूवमेंट जो है वो इंप्रूवमेंट, फॉर एन एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट जो है वो इंप्रूवमेंट फॉर एन एग्जाम्पल 300,000 का है, 300,000 का इंप्रूवमेंट, 300,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 300,000 का, और एफएमवी है 550, तो आप कंपेयर किसको करोगे? आप कंपेयर करोगे कॉस्ट और एफएमवी, तो कॉस्ट कितना 300,000, एफएमवी कितना 550, तो आप कितना लोगे 550 लोगे। क्वेश्चन ये आता है इस केस में भी इंप्रूवमेंट को इग्नोर करेंगे क्या, क्योंकि अगर कॉस्ट और इंप्रूवमेंट को जोड़ते तो वो 600,000 हो रहा था, तो भी क्या इस केस में भी इंप्रूवमेंट को इग्नोर करेंगे क्या? मेरा क्वेश्चन समझे मैं क्या बोल रहा हूं, 86-87 में इंप्रूवमेंट करवाया 300,000 का, कॉस्ट था 300,000, एफएमवी सिर्फ 550 है। क्वेश्चन ये आता है, आपने लिया 550, आप 550 लोगे क्योंकि आप कंसिडर क्या करोगे, एफएमवी और कॉस्ट, व्हिच एवर इज हायर, सो एफएमवी इज 550, यू विल टेक द 550, देन आल्सो यू आर गोइंग टू इग्नोर द इंप्रूवमेंट ऑफ 300,000? आंसर इज यस, तो भी आपको इग्नोर करना है, बिकॉज लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट डन बिफोर 14201 इज ऑलवेज इग्नोर, यू हैव टू इग्नोर बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एफएमवी, एफएमवी में आ गया। अब एक और चीज समझना आप, तो आपको ऑलवेज इग्नोर करना है। अब एक चीज समझो, कॉस्ट अगर तुम्हारा 800,000 होता, कॉस्ट 800,000 है और इंप्रूवमेंट 300,000 है, कॉस्ट कितना है 800,000, इंप्रूवमेंट 300,000 है और एफएमवी 550 है, एफएमवी 550 है, कॉस्ट है वो 800,000 है और आपका इंप्रूवमेंट 300,000 है, तो अब यहां पे कॉस्ट कितना लेते हैं आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप 800,000 लेते क्योंकि एफएमवी तो ऑप्शन है, अपन 800,000 लेते। अब क्वेश्चन ये आता है, अब भी क्या इंप्रूवमेंट इग्नोर करते क्या? अभी भी आप इंप्रूवमेंट को क्या इग्नोर करते क्या? इग्नोर करते या कंसीडर करते? इग्नोर करते या कंसीडर करते? आंसर इज
इग्नोर करते, अब भी इग्नोर करते, मतलब इन वन वर्ड आई कैन से दैट प्रयागराज ओ योगी जी उसको इग्नोर करते, अभी भी उसको इग्नोर करते, क्योंकि लॉ मेकर्स ने क्लियरली लॉ में लिखा हुआ, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगा सेक्शन 55 की, और सेक्शन 55 में ये क्लियरली लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट डन ऑन और आफ्टर 1/4/2001 शैल बी द कंसिडर, बिफोर दैट यू हैव टू इग्नोर दैट, उसके पहले का हमेशा इग्नोर करना है, भले कॉस्ट आ रहा है या एफएमवी आ रहा है आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, तो भी आपको इंप्रूवमेंट को इग्नोर करना है। चलो आ जाओ सब लोग एक बार अपनी बुक में, और आपकी बुक में सेक्शन नंबर दे रखी है 48, उस पे आ जाओ सब लोग, सेक्शन नंबर 48 पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48, द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर, कैसे आपको कंप्यूट करना है, पहला सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड, या तो सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड हो जाता है या accruing as a result of transfer of capital asset, accruing का मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच दिया, ठीक है आपने पैसा 5 साल बाद दिया, तो भी 50 लाख पे कैपिटल गेन इस साल लग जाएगा, क्योंकि मुझे सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड नहीं हुआ बट अक्रू तो हो गया है, तो अक्रूइंग है तो भी कैपिटल गेन लग जाएगा। माइनस एक्सपेंडिचर इनकर होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द सच ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एक्सपेंसेस, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। उसके बाद कुछ प्रोवाइजो है, अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया, दैट इज द सेकंड प्रोवाइजो, तो अपन आएंगे सीधा सेकंड प्रोवाइजो पे, आपको दे रखा है ऑन द पेज नंबर 19 पे सेकंड प्रोवाइजो, देखो सेकंड प्रोवाइजो क्या होता है, इंडेक्सेशन, क्या लिखा है, दिस प्रोवाइजो इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है वो अपन ने देखा नहीं, फर्स्ट प्रोवाइजो जहां लगेगा वहां सेकंड नहीं लगेगा, वो अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो, देन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे, अब एक चीज समझना, फॉर्मूला क्या दे रखा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच असेट वॉज ट्रांसफर्ड, जिस ईयर में असेट ट्रांसफर किया उस ईयर का सीआईआई, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और दूसरा उसको डिवाइड करेंगे सीआईआई ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच असेट वॉज हेल्ड बाय एसएससी, मतलब पहला साल जिस ईयर में असेट हेल्ड की थी, मतलब एक्विजिशन वाले ईयर का सीआईआई, और द ईयर बिगिनिंग ऑन 1/4/2001 या फिर 1/4/2001 वाला ईयर, दैट इज 1/2 का इंडेक्स, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी बाद वाला है, जैसे आपने 5/6 में एक्वायर किया तो 5/6 का इंडेक्स लोगे, बट मान लो 82/83 में एक्वायर किया था तो 1/2 का इंडेक्स लोगे डिवाइड में करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट को कैसे, तो पहले ले लो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, CII of the year in which asset was, यहां पे एक लिखते टाइम वो क्या बोलते हैं, जब वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करते टाइम वो सही से टाइप नहीं हुआ, दैट इज असेट वॉज ट्रांसफर्ड, आप यहां लिख लो असेट वॉज ट्रांसफर्ड, ऊपर लिखो असेट वॉज ट्रांसफर्ड, अच्छा, और उसके बाद CII of the year in which इंप्रूवमेंट ऑफ असेट, ये इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट ये मिक्स हो गया है, ऑफ द असेट टुक प्लेस, इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट टुक प्लेस, तो डिवाइड में लिखो सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट टुक प्लेस, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर दे रखा है, ये नंबर आपको 1920 का मैंने यहां ब्लैंक दे रखा है, आजकल में आ जाएगा, तो जैसे ही आ जाएगा मैं यहां पर पुट करवा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सीबीडीटी ने ये क्यों चेंज किया बेस ईयर, तो उसके लिए सीबीडीटी ने क्या बोला था, क्या रीजन दिया था उन्होंने, इन्होंने बोला कि एज द बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हैज बिकम द मोर देन 3 decade ओल्ड, 30 साल पुराना हो चुका था करके, ये 2 साल पहले इन्होंने ऐसा किया, असेससी आर फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज इन कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल असेट स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/1981 Due to the non-availability of the relevant information for computation of fair market value as on 1/4/81, इसके लिए उन्होंने इसको change करके और अभी का उन्होंने year दे दिया है, ठीक है, चल done। मेरा आपसे एक question है, और वो question मेरा आपसे ये है कि मेरा एक घर है ये वाला, और ये घर मैंने उस पेज पे ले लेता हूँ,
मेरा एक घर है, समझना, ये घर मैंने प्रीवियस ईयर 1-2 में खरीदा था और इसका कॉस्ट था 2 लाख। अब एक बात समझना, लास्ट ईयर मैंने यहां इंप्रूवमेंट करवाया है, प्रीवियस ईयर 18-19 में, और इंप्रूवमेंट पे 1.5 लाख मैंने खर्च किया, समझना हा? 1-2 में मैंने खरीदा था 2 लाख में, मैंने लास्ट ईयर ही इस पे इंप्रूवमेंट करवाया 1.5 लाख का। अब मैंने इस साल 19-20 में, प्रीवियस ईयर 19-20 में मैंने ये घर सेल कर दिया, और सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस है मान लो 40 लाख। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैपिटल गेन निकालते टाइम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लोगे 40 लाख, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करोगे, इसको इंडेक्स करोगे 2 लाख को। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करोगे या नहीं करोगे। इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर ही करवाया, देखो एक्वायर किया था, वो एक्वायर तो आपने 10-15-20 साल पहले किया था, ठीक है, 2001 में किया था, 19 ईयर्स बैक, बट आपने इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर ही करवाया है, क्या इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करेंगे या नहीं करेंगे? एक बार सेकंड प्रोवाइजो वापस पढ़ लो, बेटर रहेगा, क्या उसको इंडेक्स करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। पाली वाले बोलते नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे करेंगे। इंडेक्स करेंगे या नहीं करेंगे, इंडेक्स करेंगे या नहीं करेंगे? रोहतक वाले बोलते मेरी तरफ से बड़ी हां है, करेंगे या नहीं करेंगे? राइट आंसर इज करेंगे, देखो लॉ क्या बोलता है पता है, कि अगर तुम्हारी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, देखो मैंने क्या बोला था, सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, अगर वो कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, इवन इंप्रूवमेंट है, वो इंप्रूवमेंट हो सकता है 2-3 साल नहीं हुए अभी तक, 2-3 साल नहीं हुए इंप्रूवमेंट को, लेकिन असेट अगर लॉन्ग टर्म है तो उस केस में क्या करेंगे, इस पे इंडेक्सेशन होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों पे इंडेक्स करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडेक्स तभी होगा इंप्रूवमेंट पे जब इंप्रूवमेंट भी 2-3 साल पहले किया हो, इट्स नॉट लाइक दैट, अगर इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर भी किया है तो भी उस पे इंडेक्सेशन होगा। यू गॉट माय पॉइंट नॉट? यस। चलो अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, नेक्स्ट पार्ट। एक और चीज, एक केस लॉ है, और वो केस लॉ क्या बोलता है, इधर देखना बेटा, उसने क्या किया, एक बंदा है, उसने एक लैंड खरीदा था, ये प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है, और ये लैंड उसने जो खरीदा था वो प्रीवियस ईयर 1-2 में खरीदा था, और उसका कॉस्ट था 5 लाख, 5 लाख उसका कॉस्ट था, लैंड खरीदा था उसने 1-2 में, 5 लाख उसका कॉस्ट था। अब एक बात समझना, उसने इस पे बिल्डिंग बनाया, अब ये बिल्डिंग अब बनाया, बिल्डिंग जो बनाया, ये बिल्डिंग मान लो अभी बनाया उसने, प्रीवियस ईयर 18-19 में, लास्ट ईयर ही उसने बिल्डिंग बनाया, ठीक है, और बिल्डिंग का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मान लो 7 लाख है, ठीक है, बिल्डिंग लास्ट ईयर बनाया है और लैंड पहले खरीदा था, लैंड 1-2 में खरीदा था 5 लाख में, और अभी उसने उस पे बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग है वो 18-19 लास्ट ईयर ही बनाया, 7 लाख है। अब उसने क्या किया, इस पूरे को एक साथ में प्रीवियस ईयर 19-20 में सेल कर दिया, एंड सेलिंग प्राइस है वो मान लो 40 लाख है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हम ऐसा कर दें कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसको 40 लाख ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपन लैंड की कॉस्ट 5 लाख लेते हैं, मतलब लैंड जो है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं और इस बिल्डिंग को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेते हैं, क्या अपन ऐसा करें, या फिर कैपिटल गेन अलग अलग कैलकुलेट करें, लैंड पे अलग कैलकुलेट करें, बिल्डिंग पे अलग कैलकुलेट करें, जो लैंड है उस पे अलग कैलकुलेट करें और बिल्डिंग पे अलग कैलकुलेट करें, बिल्डिंग पे शॉर्ट टर्म होगा और लैंड पे लॉन्ग टर्म होगा, हम क्या करें इस केस में? ऐसे केसेस बहुत सारे आए कि पहले से प्लॉट लेके रखा था,
प्लॉट लॉन्ग टर्म था, बट बिल्डिंग वाला जो पार्ट है वो शॉर्ट टर्म था। और कुछ लोग बोलते थे ये लैंड का इंप्रूवमेंट है, बट लैंड का इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, बिल्डिंग इज अ सेपरेट असेट बेसिकली। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या करें फिर ऐसे केसेस में, बिल्डिंग अभी बनाया लास्ट ईयर, लैंड पहले से पड़ा हुआ था इतने सालों से, तो आज हम क्या करें उस पर, कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, क्या एक साथ कर दे बिल्डिंग को इंप्रूवमेंट मान ले, या फिर अलग अलग कैलकुलेट करें, लैंड पे अलग बिल्डिंग पे अलग, और कंसिडरेशन को बाइफर्केट करें, कैसे करें फिर आप बताओ क्या करें इस केस में, अलग अलग या साथ साथ, अलग अलग या साथ साथ, सेपरेट कैलकुलेट करना होगा। दरभंगा बोल रहे, गोरखपुर बोल रहे, अहमदाबाद बोलते हैं साथ में करो, अहमदाबाद बड़े साथ वाले हैं, प्लॉट लॉन्ग टर्म बिल्डिंग शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अलग अलग साथ साथ, हिसार वाले बोलते हैं एक साथ ही कर लो भाई। हाँ तो देयर इज वन केस लॉ, और केस लॉ में बोला है आपको अलग अलग करना पड़ेगा, यू हैव टू bifurcate, आपको अलग अलग करना पड़ेगा और जुदा जुदा आपको करना पड़ेगा, साथ साथ नहीं, आपको जुदा जुदा करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, ये जो 40 लैख का कंसिडरेशन है, यू हैव टू bifurcate दैट कंसिडरेशन, पहले कंसिडरेशन को bifurcate करना पड़ेगा, आप लैंड का अलग लो, बिल्डिंग का अलग लो, और फिर आप क्या करोगे कि लैंड के लिए आप अलग से कैलकुलेट करो, बिल्डिंग के लिए आप अलग से कैलकुलेट करो, और जो भी तुम्हारा लैंड वाला है वो लॉन्ग टर्म आएगा और ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म आएगा, और लैंड पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा और तुम्हारा बिल्डिंग पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे सर पुराने एग्जाम्पल में तो आपने कुछ बोला था कि वो इंप्रूवमेंट था, वो रियली बिल्डिंग का इंप्रूवमेंट था, अगर इंप्रूवमेंट हुए हुए अगर 3 साल या 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ तो उस पर इंडेक्स होगा अगर असेट लॉन्ग टर्म है, लेकिन इसमें असेट ही अलग अलग है। यहां पे कोर्ट ये बोलती है कि यहां पे असेट ही अलग अलग है करके, ठीक है, जो लैंड है वो अलग है, जो प्लॉट है वो अलग असेट है, और बिल्डिंग है वो अलग असेट है, तो इस केस में लैंड पे लॉन्ग टर्म होगा और बिल्डिंग पे आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस। चलो अब एक और चीज समझना, मैं आपको आज एक और प्रोवाइजो बता देता हूं, और एक और प्रोवाइजो, इसका जो फोर्थ प्रोवाइजो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब एक चीज समझना, फोर्थ प्रोवाइजो ये बोलता है, फोर्थ प्रोवाइजो ये बोलता है कि जो भी तुम्हारे डिबेंचर्स है एंड बॉन्ड्स है, इनके केस में, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, इनके केस में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो इंडेक्स, इवन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना आप लोग, प्लॉट की बाउंड्री बनाई, अच्छा एक ने बंदे ने प्रयागराज से क्वेश्चन आया कि प्लॉट था हमारा उसके ऊपर हमने सिर्फ एक बाउंड्री बना दी, तो बाउंड्री बनाने से क्या वो अलग असेट बाउंड्री बन गई? आंसर इज नो, बाउंड्री इज नॉट अ डिफरेंट असेट, बाउंड्री इज बेसिकली इंप्रूवमेंट ऑफ दैट प्लॉट, वो प्लॉट का इंप्रूवमेंट में ही आएगा और उसको फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे ले लेंगे। तो प्रयागराज जो बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री है वो इंप्रूवमेंट माना जाता है प्लॉट का, बट बिल्डिंग बनाई है वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बिल्डिंग इज सेपरेट असेट, प्लॉट इज अ सेपरेट असेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोवाइजो अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज द फोर्थ प्रोवाइजो, और एक बात समझना, फोर्थ प्रोवाइजो ये बोलता है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स जो भी है आपके, उसमें आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो इंडेक्स इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, ऐसा क्यों? फरीदाबाद नहीं, वो इंक्लूड नहीं होगी, वो इंक्लूड नहीं होगी, दैट वोंट बी ट्रीटेड एज योर कॉस्ट। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन नहीं होता है, ऐसा क्यों? व्हाई, व्हाई, ऐसा क्यों? डिबेंचर बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन नहीं होता, ऐसा क्यों? इवन लॉन्ग टर्म है तो भी इंडेक्स नहीं होगा, ऐसा क्यों? बोलो ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूं? डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन नहीं होता, व्हाट कैन बी द रीजन? बहुत सारे लोगों ने सही बोला, हैदराबाद है उन्होंने सही बोला, आसनसोल है उन्होंने सही बोला, गोरखपुर सही बोला,
धनबाद, अहमदाबाद सही बोल, हाँ आई डोंट नो, हाँ अहमदाबाद वालों ने सही बोला या नहीं, हाँ पुणे वालों ने सही बोला। एक बात समझना आप लोग, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में इंडेक्स नहीं होने के पीछे ये है कि इसकी वैल्यू कभी भी बढ़ती नहीं है इन्फ्लेशन के साथ। डिबेंचर और बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती नहीं है इन्फ्लेशन के साथ, उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आता, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब हो सकता है SFM में इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आप सीखो, SFM में ऐसा है बॉन्ड वैल्यूएशन और डिबेंचर वैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ती हो इन्फ्लेशन की वजह से, बट अपने इनकम टैक्स में लॉ मेकर्स का मानना यह है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, जिसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे अगर मैंने कोई डिबेंचर है वो 100 रुपए में खरीदा था आज से 10 साल पहले और उस पर इंटरेस्ट रेट है मान लो 15% की रेट से, तो वो मुझे 15% की रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 15% की रेट से मुझे उस पर इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा, इसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहने वाली है, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है बट इन्फ्लेशन के इफेक्ट से ज्यादा बढ़ती नहीं है। इसके लिए डिबेंचर एंड बॉन्ड्स पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम नहीं देंगे। We will not give you the benefit of indexation on the debenture and bonds. Debenture और bonds पे indexation का benefit आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके दो exception है। देखो पहले तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि debenture and bonds जो है उस पे no index, index नहीं होगा, but इसके दो exception है और दो शेयर्स पे होता है। देखो शेयर्स पे डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है, शेयर्स पे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, शेयर्स है वो शेयर्स आपके प्रॉफिट से जुड़ा रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इज लाइक अ लोन। एक बात बताओ, आपने मुझे 20 लाख का लोन दिया और आपको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो वो वैल्यू तो 20 लाख ही रहने वाली है ना, अल्टीमेटली दैट लोन की वैल्यू तो 20 लाख ही रहने वाली है। आप अगर 10 साल बाद बोलोगे कितने का लोन है 20 लाख का, 25 साल बाद बोलोगे कितने लाख का लोन है 20 लाख का, सो इट्स लाइक अ लोन ओनली, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इज लाइक अ लोन ओनली, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, इसके लिए उस पर इंडेक्सेशन नहीं होगा, बट बाकी शेयर्स वगैरह की वैल्यू बढ़ती है ऑब्वियसली, उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है, इसके लिए वहां पर इंडेक्सेशन होगा। अब एक चीज समझना, इसके दो एक्सेप्शन है, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नहीं होता बट इसके दो एक्सेप्शन है। पहला है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, पहला है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और दूसरा है दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। ये दो बॉन्ड ऐसे हैं जिसपे आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल इंडेक्स नहीं होती है सर, शेयर्स पे इंडेक्स होती है बेटा, प्रयागराज शेयर्स पे इंडेक्स होती है, वो 112A लगता है तो नहीं होती, या 1038 वो आएगा, सब आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, हाँ रुक जाओ थोड़े टाइम। हाँ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। पहला तो मैंने बोला कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। ये कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ने एक टाइम बोला था कि हम कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स इशू करेंगे, बट टिल नाउ देयर इज नो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, आपने कोई कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स देखा नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि वी विल इशू सर्टेन बॉन्ड्स जिस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अपन देंगे, ऐसे बॉन्ड्स हम इशू करेंगे, बट अभी तक ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है, बट लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स पे इंडेक्स मिलेगा। और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, ये नया कंसेप्ट है, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, ये एक नया कंसेप्ट है, इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, वो मिलेगा। अब आप बोलोगे ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? आपको मैं बताऊं, अभी अभी आपके बैंक से वगैरह आपको मैसेज आते होंगे, आपके बैंक से आपको मैसेज आते होंगे कि SBI के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है, या ICICI वाले भी बेच रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI ने इशू किए हैं। अब एक चीज समझना, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्यों लाया, व्हाट इज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको मैं बताऊं, इंडिया में गोल्ड का कंजम्पशन बहुत है, इंडिया में गोल्ड का कंजम्पशन बहुत है, और जितनी भी लाइक लड़कियां हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है गोल्ड ज्वेलरी, हम लड़के लोगों को तो कुछ भी नहीं, गरीब लोग रहते हैं हम लोग करके, ठीक है, हमको बिल्कुल प्यार नहीं है गोल्ड से, ज्वेलरी से, बट लड़कियों को बहुत प्यार है, तो ज्वेलरी के लिए वगैरह गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और हम इंडिया वाले गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं, हम इंडिया वाले गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में इतना प्रोडक्शन गोल्ड का नहीं है, हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी फंड है वो इंडिया के बाहर चला जा रहा है।
बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी फंड इंडिया के बाहर जा रहा है गोल्ड के इंपोर्ट की वजह से, और गोल्ड जो है वो गोल्ड हम किस लिए इंपोर्ट करते हैं, बहुत बार तो हम गोल्ड है वो गहने बनाने के लिए इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन आपने एक टेंडेंसी इंडिया वालों में देखी होगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बार गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट भी हेल्ड कर रहे हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट है वो हेल्ड करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी सिस्टर का जब बर्थ हुआ तो मेरे पापा ने उसके लिए क्या किया कि सिस्टर का बर्थ हुआ तो उसके मान लो 20 ग्राम्स है, वो 20 ग्राम्स है वो गोल्ड लेके रखा था जब उसका बर्थ हुआ था, 20 ग्राम्स है वो गोल्ड लेके रख लिया, ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, और वो 20 ग्राम्स गोल्ड लेके रख लिया कि जब भी इसकी शादी होगी तब हम इस गोल्ड को सेल कर देंगे और जितना पैसा आएगा उससे हम इसकी शादी कर देंगे। तो ऐसा भी एक इंडियन टेंडेंसी होती है कि इंडिया वाले हम लोग क्या करते हैं को गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस होल्ड करके रखते हैं, गोल्ड बिस्किट एक खरीद लेते हैं करके, ठीक है, और वो बिस्किट लेके और रख लेते हैं, और जब भी रेट अच्छी आएगी इन फ्यूचर हम क्या करेंगे उसको बेच देंगे, उसको बेच देंगे जिससे कि अपने को पैसा। अब एक बात बताओ, इसकी वजह से होता क्या है कि इंडिया में गोल्ड का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, इंडिया को इंपोर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि लोग हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी गोल्ड रख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड रख रहे हैं तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंडिया का फॉरेन करेंसी फंड बाहर जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो अभी मिनिस्ट्री ने आरबीआई को सजेशन दिया था और आरबीआई ने एक कंक्लूजन पे पहुंचे और हमने बोला कि हम एक काम करते हैं, गोल्ड की वैल्यू के बॉन्ड्स निकाल देते हैं, चलो गोल्ड की जो वैल्यू है उसी वैल्यू का बॉन्ड आपको आज मिल जाएगा। मतलब आज मान लो मेरी सिस्टर है, सिस्टर के लिए हमने एक बॉन्ड खरीद लिया फॉर एन एग्जांपल, वो गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड की आज मार्केट रेट क्या है, सपोज 31,000 है 10 ग्राम का, तो अगर मुझे बॉन्ड खरीदना है तो मैं बॉन्ड खरीद सकता हूं 31,000 का, और कल उठ के जब मेरे को वो बेचना है इन फ्यूचर, तो जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने ऐसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए हैं जिसमें जैसे 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 तुम्हारे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, और उस केस में भी आपको यहां पर इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सिंपल सी चीज समझो, अगर हमने गोल्ड बिस्किट लेके रखा होता तो उस केस में क्या होता, गोल्ड बिस्किट लेके रखा होता, गोल्ड बिस्किट बेचते तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता या नहीं, आंसर इज यस मिलता। तो फिर भैया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके रखे हैं तो फिर आप इंडेक्स का बेनिफिट क्यों नहीं दोगे, उसमें भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट है वो आपको देना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस, उसमें देना पड़ेगा। चलो तो हम एक काम करते हैं, आ जाते हैं उस प्रोविजो पे, आ जाओ सब लोग अपनी बुक में। एक और चीज समझना आप लोग, सर तो भी इंडिया के लोग जो है ना वो तो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अपन इंडिया के ऐसे लोग हैं ना, अपने को तो गोल्ड बिस्किट ही ठीक लगती है कि गोल्ड बिस्किट खरीदो और बाद में गोल्ड बिस्किट बेच देंगे जब जरूरत होगी, हम तो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आरबीआई ने समझाया आपको कि भाई ये सिक्योर्ड है, आपके घर की बिस्किट जो है गोल्ड बिस्किट कोई भी चुरा के लेके जा सकता है, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो कोई चुरा के नहीं ले जा सकता करके, ठीक है। दूसरी फिर इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने फिर एक और चीज की, उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन जो 47 है, अपन एक दो दिन में पढ़ेंगे सेक्शन 47, और सेक्शन 47 में क्लॉज डाला, और सेक्शन 47 बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के पास में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो आरबीआई ने इशू किया, अगर उसका रिडेम्पशन हो जाता है, तो कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया, चलो अब तो तुम इन्वेस्ट करो। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है और अगर उसका रिडम्पशन हो जाता है, रिडम्पशन हुआ तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, उसको पूरा उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। उन्होंने बोला देयर इज नो कैपिटल गेन, उसको पूरा उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, पूरा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि देयर इज नो कैपिटल गेन। ये सेक्शन 47 में हम सीखेंगे, ये एक बेनिफिट है। जैसे मान लो आज मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदता हूं और रिडम्पशन की डेट 3 इयर्स बाद है, तो रिडम्पशन के टाइम पे जो गोल्ड की वैल्यू होगी उतना पैसा मिलेगा, मुझे कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, देयर इज नो कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन भी उस टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो एक इन सिंपल वर्ड में आपको बोलू, देखो आप क्या बोलोगे मुझे, इधर देखो सब लोग, भिलवाड़ा वाले बोलते हैं सर हम कर तो दे लेकिन इंटरेस्ट का रेट बहुत ही कम है। अब वो मुझे पता नहीं इंटरेस्ट का रेट क्या है कैसे है, आई डोंट नो, मैं उसके टैक्स इंप्लीकेशन आपको यहां बता रहा हूं। तो देखो
मैंने बोला डिबेंचर बॉन्ड्स देयर इज नो इंडेक्सेशन बट देयर आर टू एक्सेप्शन, वन इज द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सेकंड इज अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई। अब एक चीज समझना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगर रिडेम्पशन होता है और इंडिविजुअल है तो कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा, बट रिडेम्पशन से पहले सेल कर दिया, अगर इंडिविजुअल है रिडेम्पशन से पहले सेल कर दिया तो कैपिटल गेन लगेगा और इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। तो एक मैं बोलू, ऐसा बोलू मैं आपको, देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय आरबीआई, आरबीआई का आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, सबसे पहले इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है दो पार्ट, अगर उसका रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन होता है तो नो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। लेकिन अगर सेल कर देते हो आप बिफोर रिडेम्पशन, सेल बिफोर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन से पहले आप अगर सेल कर देते हो तो उस केस में कैपिटल गेन आएगा एंड उसमें इंडेक्स का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। लोग बोलते हैं सर हम तो गोल्ड ब्लैक मनी से खरीदते हैं, व्हाइट मनी से खरीदते ही नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली यहाँ व्हाइट लगाना पड़ेगा, अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है तो व्हाइट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्लैक लगाओगे तो वो सीधा व्हाइट हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर इंडिविजुअल को छोड़ के अदर कोई भी पर्सन है तो वो भले सेल करे या रिडेम्पशन करे, कैपिटल गेन आएगा और इंडेक्स भी आएगा, ठीक है। तो देखो चलो रिडेम्पशन के लिए लॉक इन पीरियड वगैरह है, चलो आ जाओ सब लोग एक बार फोर्थ प्रोवाइजो पे, देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48। छोड़ रहा हूं मैं दो चार दस मिनट, रुक जाओ। हाँ लोग बोल रहे सर जाना है, हाँ देखो फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48, नो इंडेक्स इन केस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, द इंडेक्सेशन अंडर द सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाउएवर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल फॉर द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगर कोई भी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है। अब ये पेटीएम वाले और फोन पे वालों पे मिलेगा, रुक जाओ थोड़े टाइम, ठीक है। पेटीएम फोन पे मैं कल सुबह बताऊंगा कि पेटीएम फोन पे वाले वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। चलो देखो, However, benefit of indexation is available for the capital index bonds issued by the central government or sovereign gold bond issued by RBI under the sovereign gold bond scheme 2015. Sovereign gold bond issued by the RBI under the sovereign gold bond scheme 2015, यहाँ पे indexation का benefit मिलेगा। अब एक चीज समझना, यहाँ पे bonds and debenture पे नहीं मिलेगा, shares पे मिलेगा, units पे मिलेगा, units पे भी आपको indexation मिलेगा। तो देखो The benefit of indexation is available in respect of units of UTI or units of the mutual fund. Units of mutual fund UTI पे मिलेगा, वो कोई bonds debenture में नहीं आते, सिर्फ bonds और debenture पे नहीं मिलेगा, units पे shares पे वगैरह indexation मिलेगा। अब एक बात समझना, CBDT ने क्या बोला था जब ये sovereign gold bonds वाला जब लाया, तो ये CBDT ने क्या बोला था, इसका logic क्या बताया था। आप बहुत बार बोलते हो कि सर आपको ये रीजन कैसे पता रहता है कि ये सेक्शन क्यों आई थी या किस लिए आई थी, ये हमको भी कोई सपने में नहीं आता। CBDT बताती है इस बार भी जो बजट आया है ना, जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, हर अमेंडमेंट्स के पीछे CBDT बताती है और उसको बोलते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। आप देखना मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, और वहां उन्होंने रीजन बताया है कि इसको अमेंडमेंट करने का क्या रीजन है, व्हाई वी अमेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहां पर CBDT ने क्या बोला था, देखो The government of India has introduced the sovereign gold bond scheme with the aim to reducing the demand of the physical gold so as to reduce the outflow of the foreign exchange on account of the import of the gold. The gold bond is more for substituting the physical gold and also provides security to the individual investor who invest in gold for meeting their social obligation. हम लोग ये social obligation basically शादी वादी के लिए अपन gold में invest करते हैं कि भाई gold में invest करके रखो, रेट बढ़ेगी तो उसको बेच देंगे, उसके लिए आपको physical, आपको यहां पे सिक्योरिटी भी मिलेगी एज वेल एज द आपको इंपोर्ट भी इंडिया को नहीं करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली विद द व्यू टू प्रोवाइड
parity in the tax treatment between the physical gold and sovereign gold bond. Section 47 of Income Tax Act has been amended so as to provide that any redemption of sovereign gold bond, देखो redemption होता है, of sovereign gold bond under the scheme by an individual, अगर कोई individual है और individual का redemption होता है sovereign gold bond का, shall not be treated as transfer and therefore shall be exempt from tax on the capital gain. Capital gain में उस पर exempt मिल जाएगा, वो अपन section 47 में भी पढ़ेंगे. Further, Section 48 of Income Tax Act has also been amended to provide that index benefit to the long-term capital gain arising on the transfer of sovereign gold bond to the all assessee. आपको indexation का benefit इसमें मिल जाएगा. This amendment takes place from the 1st April 2017 and will be applicable from assessment year 17-18 and subsequent assessment year. Assessment year 17-18 से यह amendment आया था, मतलब previous year 16-17 से यह amendment आया था. Done. चलो, आज हम यहीं पे रुकेंगे. आज मैं थोड़ा आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, बट कल से अपन थोड़ा लेक्चर को बढ़ाएंगे और कम से कम 9:40, 9:45 तक, कभी ऐसे आपकी छुट्टी हुई तो 10 o'clock तक भी लेक्चर लेंगे, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स है वो बहुत बड़ा है. कितने लेक्चर होंगे सर? अपने लेक्चर 60-65 क्लास में रहेंगे और उसके बाद 8-9 लेक्चर है वो आपको YouTube पे या आपको अलग मोड पे मिलेंगे. मतलब अप्रोक्स 70 लेक्चर है, 70-75 के बीच में लेक्चर रहेंगे जिसमें अपन 100 मार्क्स का पेपर है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है, वो अपन कवर कर जाएंगे. ठीक है, चलो. सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज जितना पढ़ाया उसको एक बार आप रिवाइज करके आना. कल से लेक्चर आप मिस नहीं करोगे क्योंकि कल से हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सीखने वाले हैं करके. ठीक है, तो कल से हम लोग लेक्चर आप लोग मिस नहीं करोगे, कल से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन सीखने वाले हैं. जितना पढ़ाया ये एक बेसिक था, जो बेस था जो आपका यहां पे बिल्ड किया है, और कल से बहुत अलग अलग कंसेप्ट पे अपन जाने वाले हैं. ठीक है, चलो. थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है.